हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामयाज किचन। आज हम बनाएंगे बाटी चोखा। बाटी चोखा हम कुकर में बनाएंगे। बाटी के लिए हमारी क्या इंग्रेडिएंट्स है उसको देख लेते हैं। आटा लिया है हमने 3 कटोरी, 2 प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन और अदरक, रिफाइंड ऑयल, अजवाइन, नमक, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेकिंग सोडा। और चोखे के लिए हमारी इंग्रेडिएंट्स है बैगन। बैगन को हमने फाड़ कर चेक कर लिया है, टमाटर, आलू, लहसुन और अदरक, नमक, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च। चलिए इसको बनाते हैं। आटे में हम रिफाइंड डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक। अब इसको मिक्स कर लें। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जैसे चपाती का आटा तैयार करते हैं इस तरह से तैयार कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है। पैन में हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे जिससे इसकी खुशबू अच्छी आए। लहसुन अदरक, हरी मिर्च, प्याज, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 कटोरी चने का सत्तू ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लें। अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच। रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। साथ में चोखे की भी तैयारी कर लेंगे। बैगन को हम इस तरह से भून लेंगे। भुनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बैगन और टमाटर भुन चुका है, इसको ठंडा करके इसका छिलका उतार लेंगे। अब हम बाटी को भर लेते हैं। इसका बराबर टुकड़ों में लोई बना लेंगे। अब इसमें जो हमने चने का सत्तू तैयार किया था उसको भर लेंगे। प्रेस कर दें इसको। इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से। इस तरह से सारी बाटी भर लेना है। बाटी हमारी भर चुकी है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इसको हम कुकर में बनाएंगे तो इसका गैस्केट और विसल निकाल लेंगे। इसको हीट होने के लिए रख देंगे। इसमें बाटी डाल देंगे। इसको ढक देंगे। इसको 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, इसको पलट लेते हैं। बाटी एक तरफ सिक चुकी है, अब दूसरी तरफ भी सेक लेंगे इस तरह से। बैंगन, टमाटर और आलू को हमने मैश कर लिया है, आलू भी हमने बॉयल कर लिया था। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच अचार का तेल ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। चोखा हमारा रेडी हो चुका है। बाटी को चेक कर लेते हैं, ये दूसरी तरफ भी सिक चुकी है। बाटी को सेकने में हमें 30 मिनट्स लगे हैं। इसको निकाल लेते हैं, इसके ऊपर देसी घी लगा देंगे। बाटी और चोखा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।